हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो यार पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाई थी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, वो इस लिहाज से कि मैं अपने चैनल पर एक न्यू स्कीम कह लो या कुछ भी कह लो एक सिस्टम नया स्टार्ट करने लगा हूँ कि मतलब हर संडे को इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जाएगी उस फोटो एडिटिंग की, मतलब कि आप लोग मुझे अपनी फ़ोटो सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो जो मैं कुछ फ़ोटोज़ पिक करूँगा और उनको अपनी वीडियोज़ में यूज़ करूँगा और उनकी फ़ोटो एडिट करूँगा। तो यार ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। तो आपने मुझे इस ईमेल पे ना अपनी हाई क्वालिटी जो DSLR वाली इमेजेस होती हैं वो आपने मुझे सेंड करनी है। अगर आपने मोबाइल से कैप्चर किया तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों ने अपनी फ़ोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के बाद आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैं जाऊंगा कटआउट वाले टूल में और यहाँ पे आउटलाइन करूंगा और जितना एरिया मुझे चाहिए वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, नीचे कमेंट में बताना कि ये आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है गाइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास हो चुका है बैकग्राउंड रिमूव और इस फोटो को अब हमने कर लेना है सेव। फोटो को सेव कर लेने के बाद आपने बैकग्राउंड PNG को यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पे ओपन कर लिया पिक्सआर्ट में। तो फ्रेंड्स इस बैकग्राउंड इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अलावा मैं इस वीडियो में जितनी भी PNGs वगैरह यूज़ करूँगा उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम मॉडल की फ़ोटो और जो PNGs हमें चाहिए वो यहाँ पे मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमें जितनी भी PNGs चाहिए तो उन सबको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो यहाँ पे मैं इस जो सन वाली PNG है इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसका मैं चेंज कर लेता हूँ और स्क्रीन कर देता हूँ। ये मैं भी बताता हूँ ये मैंने क्यों किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसके अलावा से यहाँ पे जो हमारी मॉडल की फ़ोटो है उसको भी हमने ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं सन वाली PNG को ना थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। तो इसका हमें ये हमने सिस्टम इसका इस तरह करना है कि जो हमारे पे बैकग्राउंड पे जो लाइट आ रही है वो बॉडी पे हिट करनी चाहिए मॉडल की ना, तो इसलिए हमने ये ऐड किया। तो यहाँ पे पहले हम इसको साइड पे कर लें और यहाँ पे इस मॉडल की PNG को हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मॉडल की PNG को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे जो हम सन PNG है इसको ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे, ठीक है। जूम करने के बाद यहाँ पे हम रेजर टूल में जाएंगे। यहाँ पे रेजर टूल में जाने के बाद आपने इन्वर्ट कर देना है और यहाँ पे रिस्टोर पे जाना है और बैकग्राउंड पे आपने ब्रश कर देना है जहाँ पे वो सन PNG थी। इस तरीके से आप देख सकते हैं ना कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। तो यहाँ पे मैं पूरी इमेज के अंदर ना ये वाला इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। तो आपने भी सेम स्टेप फॉलो करने हैं तो आपकी जो फ़ोटो है वो भी ज़बरदस्त लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो एरियाज़ हैं वहाँ पे मैं कर लेता हूँ जहाँ जहाँ मैं ये लाइट चाहिए। तो कुछ यहाँ पे हम स्किन पे भी कर लेते हैं, कुछ हैंड्स पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे भी। तो इस तरीके से ये इफ़ेक्ट वर्क करता है। तो मोस्टली इस तरह जो इफ़ेक्ट होता है बैकग्राउंड पे लाइट हिट करने वाला इफेक्ट वो मैं इसी तरह फ़ोटोज़ में ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रंग कर देता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ डन, ठीक है। ये सब करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक PNG हमने यहाँ पे ऐड करनी है, स्मोक PNG, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्मोक PNG को भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे थोड़ा सा हिल गया तो यहाँ पे इसको मैं सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद यहाँ पर आपने करना है डन और डन करने के बाद यहाँ पर आपने एक और PNG को कर लेना है ऐड। ऐड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से इसमें एक और PNG को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इफेक्ट हो चुका है। अब हमने दोबारा से ऐड फोटो में जाके यहाँ पे एक PNG को ऐड कर लेना है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्मोक PNG को ऐड कर लिया है और अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो चेंज करूँगा। तो यहाँ पर जाएंगे हम ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे और इसका जो इस इफेक्ट को हम ट्राई करते हैं जहाँ पे हमें अच्छे से रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ लाइटन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइटर में हमें अच्छा सा रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे ओके। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फोटो हो चुकी है एडिट, तो ये एकदम मस्त लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आज की ये वीडियो आपको आई होगी पसंद। तो अगर आई है पसंद या वीडियो को लाइक करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट बताओ कि नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या होना चाहिए और किस टाइप के हमें फोटो एडिटिंग करनी चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।